मीणा के मुताबिक सीकर के एक रिजॉर्ट में विधायकों को बाड़ेबंदी के लिए बुलाया गया। 7 एमएलए रिजॉर्ट में पहुंच भी गए थे। विधायकों को वहां से बैरोड ले जाने का प्लान था, लेकिन उनमें से एक विधायक ललित मीणा ने अपने पिता पूर्व विधायक हेमराज मीणा को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी। तुरंत ही हेमराज मीणा ने ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं को बताई और हड़कंप मच गया। बीजेपी ने तुरंत एक टीम रिजॉर्ट भेजी और बुधवार सुबह 4 बजे विधायकों को रिजॉर्ट से निकाला गया। जो विधायक रिजॉर्ट में रुके थे उनमें 3 झालावाड़ और 3 विधायक बारा के थे, वहीं एक विधायक किशनगंज का था। इसी घटना के बाद वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया। दुष्यंत सिंह जी लेके थे साथ में। अच्छा, मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी लेके गए। रोका कौन वहाँ पर? रोका किसने? आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने? रोका वही अपने कंवरलाल एक विधायक था, उसे रोका। मारपीट भी की क्या? कुछ मारपीट क्या, वही लड़ाई झगड़े को उतारू था। तो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी? तो क्या कह रहे थे कंवरलाल? क्या कह रहे थे कंवरलाल मीणा? क्या कह रहे थे कंवरलाल? ये कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ। नहीं तो क्या बाड़ेबंदी चल रही थी कि वहाँ पे? दुष्यंत सिंह जी ने फोन नहीं उठाया ना, उनको फोन करा जो दुष्कुंद्रा जी ने हम थे जो हम लेके आ गए उसको। बाड़ेबंदी की खबर से पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया, लेकिन शाम होते होते कहानी पलट गई। जिस अंता सीट से विधायक चुने गए कंवरलाल मीणा के ऊपर बाड़ेबंदी कराने का आरोप लगा है, उन्होंने भी पूरे मामले में अपनी सफाई दी और कहा कि साजिश के तहत पूर्व विधायक हेमराज मीणा सांसद दुष्यंत सिंह का नाम ले रहे हैं। अगर दोनों का नार्को टेस्ट कराया जाए तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। राजस्थान बीजेपी में रिजॉर्ट को लेकर जो कहानी आई उसके बाद हलचल मच गई। एक तरफ ये कहा गया कि रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी की गई और वहां पर विधायकों को बैठाया गया जबरदस्ती, और ये हेमराज मीणा ने आरोप लगाया दुष्यंत सिंह पर। लेकिन अब इसकी दूसरी कहानी हमारे साथ हम आपको सुनाते हैं। कंवरलाल मीणा ये कि अंता के जो विधायक हैं, कहा जा रहा है कि इन्होंने ही पूरी कहानी रची। क्या है पूरी असलियत? कंवरलाल मीणा इंडिया टीवी के साथ मौजूद हैं। कंवरलाल जी, ये कहा जा रहा है कि आप सभी विधायकों को रिजॉर्ट में बंदी बनाकर आपने रख लिया था, क्या कहानी है? और हेमराज मीणा ने आरोप बहुत सारे लगाए हैं। देखो, हम लोग चुनाव जीतने के बाद दोनों विधायक एक ही गाड़ी पर सवार होके विजय जुलूस के रूप में हमने 12 में जुलूस निकाला। उसके बाद दोनों ही आरएसएस कार्यालय पर गए 12 पर। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो 12 पर वहां गए। सुबह 6 बजे हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जयपुर आए। हमने यहाँ खाना वाना खाया, फिर हमने अपना राजस्थान जो चिकर रोड पर वो होटलें ली। होटलें लेने के बाद हम सब अपने अपने रूम में रुके, नहाए धोए क्योंकि हम थके हुए थे, हम जोरदार सोए। उसके बाद दूसरे दिन फिर हमने सबसे मिलने का टाइम मांगा, हमें टाइम नहीं मिला, तो फिर हम वापस उसी होटल में चले गए। रात की 2:30 बजे करीबन 30-40 आदमी आए और वो मेरे से कहने लगे कि हम ललित को ले जाएंगे। तो मैंने ललित को, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने ललित को इसलिए नहीं ले जाने दिया क्योंकि 35 आदमी से एक भी आदमी परिचित नहीं था, न कोई पार्टी का पदाधिकारी था। मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद तब तक ललित कब रूम में सो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मना करने के बाद उनके पिताजी आ गए। पिताजी को हमने आराम से सर ललित जी को ले जाने दिया। ये जो आरोप दुष्यंत जी पर लगाए हैं ये मनगढ़ंत है, एक राजस है। इस पे दुष्यंत जी को लेना देना नहीं है क्योंकि दुष्यंत जी तो उस पीरियड में दिल्ली थे, उनकी संसद चल रही है। मैं कहता हूँ मेरा नार्को टेस्ट कराओ और हेमराज जी का कराओ, किसके दिमाग में साजिश निकलती है, क्लियर कट हो जाएगा। और वो भी ऐसे पीरियड में ये आरोप लगाना, ये पूरी प्लानिंग के तहत है हेमराज जी का। हालांकि बाड़ेबंदी खबर सामने आने के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुट गई। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बाड़ेबंदी की किसी भी घटना से इनकार कर दिया। कभी आलाकमान को सीधे चुनौती देने वाली वसुंधरा राजे को जैसे समझ में आया कि प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव नहीं चल रहा है, तो उन्होंने अपने तेवर बदल लिए। दिल्ली पहुंचने के बाद वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया, संसद में मोदी के शानदार स्वागत का वीडियो शेयर किया, लिखा कि मोदी की गारंटी के सामने फेल हुए कांग्रेस के झूठे दावे
और वादे। इससे पहले जयपुर से ही वसुंधरा राजे ने आलाकमान को संदेश दिया था। वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि उनकी सक्रियता बगावत समझी जाए। राजे ने आलाकमान से कहा कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता है और वो कभी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगी। दरअसल चुनाव नतीजे आने से पहले वसुंधरा राजे दूसरे दावेदारों से काफी आगे थी। माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और ऐसे में कहीं से भी बीजेपी बहुमत से दूर रहती तो वसुंधरा किंग मेकर बन सकती थी। लेकिन पूर्ण बहुमत मिलते ही बीजेपी आलाकमान को अपनी पसंद का सीएम चुनने का मौका मिल गया। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे आज भी सबसे मजबूत है, लेकिन बीजेपी आलाकमान के सामने अपने तल्ख रिश्तों की वजह से वो हाशिए पर हैं। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि बीजेपी के मिशन 2024 को पूरा करने के लिए वसुंधरा का चेहरा ही सबसे मुफीद है, क्योंकि उनके अंदर राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने की ताकत है और वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। देखिए, वो एक आपके सबके सामने बहुत वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री रही है, केंद्र में मंत्री रही है, तो उनका अनुभव तो है ही, पर ये आपको कहीं नहीं दिखाई देगा कि कोई अलग से खेमेबंदी हो रही है कि वहाँ कोई केंद्र से अलग जाके कोई लॉबिंग कर रहा हो, ये यहाँ नहीं है। हाँ, कांग्रेस में हो सकता है, अन्य पार्टी में हो सकता है, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नज़ारा आपको सामने नहीं आएगा। और आप निश्चिंत रहिए, प्रदेश के हित में, आम जन के हित में फैसला आएगा। बहुत बहुत आभार। वसुंधरा राजे का सियासी सफर 1984 में शुरू हुआ था, लेकिन भिंड लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1985 में ही धौलपुर सीट से वो विधायक चुनी गई। 1989 से 2003 तक वो झालावाड़ सीट से लगातार 5 बार सांसद बनी। 2003 में पार्टी उनके चेहरे पर विधानसभा चुनाव में उतरी। चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद वसुंधरा राजे को सीएम बनाया गया। 2013 में वसुंधरा राजे को एक बार फिर राजस्थान की सत्ता मिली। इस दौरान 2003 से ही वो झालरा पाटन सीट से विधायक है। वसुंधरा राजे की सियासत का अपना ही अलग अंदाज है। 2018 विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उन्होंने राजस्थान छोड़ने से इनकार कर दिया। आज वसुंधरा भले ही आलाकमान की पहली पसंद ना हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं। वसुंधरा राजे को सियासत, संगठन और प्रशासन का लंबा अनुभव है। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी झालावाड़ की 8 में से 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जबकि 2018 में झालावाड़ में 8 में से 3 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। खुद वसुंधरा झालरापाटन सीट पर 53,193 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीती हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी तीनों राज्यों में सीएम के नाम का ऐलान कर देगी। इसके लिए बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के पर्यवेक्षक बनाएगी। पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में विधायक दल की होने वाली बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी बैठक के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। दरअसल बीजेपी आलाकमान ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहता है जो मिशन 25 को पूरा कर सके, साथ ही वो जातीय और सामाजिक समीकरणों पर भी फिट बैठता हो। इसके अलावा राजस्थान में वसुंधरा राजे ही अकेले सीएम पद की दावेदार नहीं है। दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबा बालकनाथ का नाम भी चल रहा है। इस लिस्ट में एक और एंट्री हुई है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की, जिन्हें मोदी और शाह की पहली पसंद बताया जा रहा है।